वाला, मोदी के आने से पाकिस्तान को फायदा होगा, तो वाई शुड ही कम? ना कश्मीर में कोई, मैं मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, ना वहाँ कोई तहरीक चल रही है, ना वहाँ कोई अनरेस्ट है, ठीक है, ना कोई उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है, ना इंडिया को पाकिस्तान की फाइनेंशियली कोई जरूरत है, वाई शुड ही कम? Doesn't make any sense for him to come and give an advantage to Pakistan. Why should he do that? Pakistan में बहुत ज्यादा instability है. वो आगे करेगा क्या? Pressure में डालने की वजह से नहीं आएंगे. वही तो फिर किस लिए आएंगे? जी, वो तो आपको pressure में रखेंगे तो क्यों आएंगे वो? यकीन है, बिल्कुल. हाँ, कोई बात कह रहे हैं जो कि मैं कह रहा हूँ. उनको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ आने से. Why should they come? और दूसरी बात यह है कि इतनी अनस्टेबल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर कि वो आगे डील किससे करेंगे. अभी तो अभी ऐसी सूरत हाल है कि अभी तो पता ही नहीं है कि क्या किससे डील करना है. लॉन्ग टर्म तो प्लानिंग का सवाल ही नहीं होता. यहाँ तो हम डे टू डे जी रहे हैं अभी. बिल्कुल सही है. तो एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये कि जी इमरान खान जो है वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. देखिए, मैं हमेशा एक्सट्रीम पोजिशन लेता हूँ. मैं कहता हूँ इमरान खान ये सदा जो भी इलेक्शन लड़े जीत गए. जो मैं कहता था ना कि 24 करोड़ आवाम बाहर निकल आई है, मैं अभी भी कहता हूँ वो जीत गए. हासिल क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है इमरान खान को छोड़ देगी और कहेगी तुम जाओ इंग्लैंड और वहां जाकर के तुम उसके प्रेसिडेंट बन जाओ ऑक्सफोर्ड के, या जो जिसका भी चांसलर, पता नहीं जिसका भी वो इलेक्शन लड़ रहा है. दीज आर जस्ट अटेंशन डाइवर्ट करने के तरीके हैं. इसमें हासिल हुसूल कुछ नहीं होने वाला. जैसा कि ये बैकफायर कर गया. नहीं, बैकफायर करे या नहीं करे, बैकफायर तो क्या करना है. जाहिर है जब कोई बात करता है तो बहुत सारे लोग उसकी अपोजिशन करते हैं. आई डोंट कॉल इट एज अ बैकफायर. व्हाट आई सी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर वो जीत गए, मैं तो कहता हूँ वो जीत गए. मैंने उनको फुल चांस दिया 100%. एक वोट किसी और को नहीं पड़ा, सारे वोट उनको पड़े. वो जीत गए, सो व्हाट? उससे क्या फर्क पड़ा उनके लिए? हुकूमत पाकिस्तान उनको छोड़ देगी कि वो जाए वहां जाकर के बन जाए? वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे? वो तो कहने की मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा. तो कैसे बनेंगे वो? वो तो कहने के मैं आवाम में रहूंगा अपने. वो इलेक्शन लड़ी क्यों रहे हैं भाई? अगर वो जीत गए ना और हुकूमत पाकिस्तान ने कहा तो जाए यहाँ से, ठीक है, वो पाकिस्तान की आवाम को इस मुश्किल में छोड़ के चले जाएंगे. वो तो कह रहे हैं पाकिस्तानी आवाम के लिए खड़ा हुआ, ये सारी तकलीफें मैं उनके लिए कह रहा हूँ. तो कहाँ जाएगा फिर ये बयान? तो वी नीड टू थिंक डीपली अबाउट ऑल दीज फुलझड़ियां जो कि छोड़ी जाती है. उसका कोई मकसद नहीं है. अच्छा, डाइवर्ट करना है अटेंशन और उनको न्यूज में रखना है. व्हाट ही नोज बेस्ट दैट ही वांट्स टू बी इन न्यूज, वेदर इट्स अ पॉजिटिव न्यूज और इट्स अ नेगेटिव न्यूज, ही जस्ट वांट टू बी रिमेन इन द न्यूज. वो जेल में जो हर रोज लोगों से बात करते हैं, कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं, कल जो बात करते हैं आज बिल्कुल उसको मुखालिफ बात करते हैं. फॉर व्हाट? इट इज नॉट दैट इट्स स्टूपिड, ही जस्ट वांट टू बी इन न्यूज, ठीक है. और मैंने ये कहा कि ये फलसफा फेल हो चुका है कि आप जो है उसके क्या नाम है, इंटरनेट वॉरियर के थ्रो जो है हुकूमत को उलट सकते हैं. ये तो पूरा तजर्बा नाकाम हो गया ना. आप देखें कि हो क्या. अगर आपको याद हो कि जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी तो उसके लिए वोट इकट्ठा करने की ऑपोजिशन ने जो कोशिश शुरू की थी वो 6-7-8 महीने पहले शुरू की थी, ठीक है. और उनको 8-9-10 महीने लगे जब जाकर के उन्होंने कहा कि अब हम जो है इस काबिल हैं कि हम लेकर के आएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. और ये सारी दुआ मांगते